हार्दिक पांड्या ने राजस्थान के साथ खेला डांडिया, बीच मैच में तोड़ दिया स्टंप, अंपायर को रोकना पड़ गया मैच, हार्दिक ने राजस्थान पर बोला हल्ला। आईपीएल 15 का 24वां मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हर तरफ गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का जलवा देखने को मिला। क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग, क्या गेंदबाजी और क्या कप्तानी, खेल के हर डिपार्टमेंट में पांड्या हल्ला बोले जा रहे थे और राजस्थान की टीम के तोते उड़ाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच मैच में एक समय ऐसा भी आया जब बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या ने स्टंप तोड़ दिया। हार्दिक के इस करतब की वजह से अंपायर्स को कुछ देर के लिए मैच भी रोकना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में कब घटी ये घटना और आखिर क्यों हार्दिक पांड्या ने तोड़ दिया स्टंप। पांड्या ने स्टंप पर बरपाया कहर। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए एक बार फिर से हाफ सेंचुरी लगाई और गुजरात की टीम को 192 रनों तक पहुंचा दिया। पांड्या ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी अर्धशतक लगाया था और राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में भी उन्होंने 50 लगाई। राजस्थान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 87 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 52 गेंदों में। इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के भी लगाए। हार्दिक पांड्या की इस तेज तर्रार पारी की बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 192 रनों का स्कोर खड़ा किया। राजस्थान की टीम को 193 रनों का लक्ष्य मिला। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान को तूफानी शुरुआत दिलाई जोस बटलर ने। बटलर ने तूफानी 50 लगाई लेकिन इसके बाद बटलर आउट हो गए। लेकिन फिर गुजरात के गेंदबाजों ने हल्ला बोला और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट चटकाए और राजस्थान की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन फिर भी गुजरात की मुश्किलें मैदान पर कायम थी क्योंकि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान पर जो मौजूद थे। संजू सैमसन को मैदान के बाहर भेजने का प्लान बनाया हार्दिक पांड्या ने। राजस्थान की पारी के 8वें ओवर में संजू सैमसन ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेलकर एक रन चुराने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने फुर्ती दिखाते हुए एक रॉकेट सा थ्रो फेंका और यह थ्रो सीधा जाकर स्टंप पर लग गया। इससे संजू सैमसन रन आउट हो गए। हार्दिक ने सैमसन को तो रन आउट कर दिया लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने स्टंप भी तोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का ये थ्रो कितना तेज तर्रार रहा होगा कि उन्होंने स्टंप ही तोड़ दिया। सैमसन के रन आउट होने के बाद कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा क्योंकि स्टंप टूट गया था। इसीलिए जब तक दूसरा स्टंप मैदान पर नहीं आया मैच रुका ही रहा। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में चारों तरफ हार्दिक पांड्या छाए हुए थे। उन्होंने बल्लेबाजी से भी दम दिखाया, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की, उन्होंने कप्तानी तो एकदम शानदार की और फील्डिंग तो उनकी लाजवाब रही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने राजस्थान की टीम के साथ खेला डांडिया और खेल के हर डिपार्टमेंट में राजस्थान की टीम को फुस साबित कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या इस आईपीएल में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं? क्या हार्दिक पांड्या इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज क्रिकेट सूत्रा को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।